कोरोना महामारी के दौरान बंद पड़े सरकारी स्कूल अराजक तत्वों के अड्डे बनकर रह गए हैं। जिले के कई स्कूलों में चोरी करने तथा शराबियों का अड्डा बनने की शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामले में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर में ताला तोड़ने तथा चोरी करने का प्रयास किया गया है, साथ ही विद्यालय की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलवंत सिंह कालाकोटी ने इस आशय की तहरीर भी कोतवाली पुलिस को सौंपी है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने विद्यालय की सुरक्षा करने की मांग बागेश्वर पुलिस से की है। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ पर जुआ और नशाखोरी का अड्डा बनाया गया है। कल शाम ही यहाँ पर ताला तोड़ने की कोशिश की गई है और यहाँ बीड़ी, सिगरेट और शराब की बोतलें यहाँ पर आप देख सकते हैं। छुट्टी शाम को जब कार्यालय बंद हो जाता है उसके बाद यहाँ असामाजिक तत्वों की भीड़ जमा हो जाती है और ऐशगाह के रूप में वो यहाँ इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन को हमने पूर्व में भी सूचना दी है, लिखित सूचना देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर आकर इस कार्रवाई पर रोक लगाने का कष्ट करें, जिससे भविष्य में विद्यालय की संपत्ति और विद्यालय को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।